पटना पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मी से लूट का खुलासा करते हुए एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि पटना में रामकृष्ण नगर क्षेत्र के सोनालिका पेट्रोल पंप कर्मी से कैश लूट मामले में पटना पुलिस ने उद्यन किया है, जिसमें दो लाइनर सहित कुल 5 अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो गई। सभी अपराध कर्मी पेशेवर हैं और पूर्व में ही रूपसपुर थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान में भी लूट की घटना को अंजाम भी दे चुके हैं। सभी पटना सिटी के माल सलामी के रहने वाले बताते हैं कि घटना 12 अगस्त को दिन दहाड़े बैंक में पैसा जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मार 3 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इनके पास से 2 देसी पिस्तल, 2 जिंदा कारतूस और घटनाक्रम में इस्तेमाल किए गए बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। आकेनगर थाना क्षेत्र में एक लूट हुई थी और पेट्रोल पंप का पैसा था और उसको जमा करने जाया जा रहा था, तो पूर्वाहन में ही घटना को अंजाम दिया गया था। बुधवार का दिन था, 3 अपराधकर्मी थे। उसके बाद अनुसंधान उन्होंने शुरू किया, इसको डिटेक्ट करने में लगभग 10 दिन लग गया, लेकिन सारे अपराधकर्मी जो इसमें सम्मिलित थे पकड़ा गए हैं। और पैसों का बंटवारा कुल मिला के 5 लोगों में हुआ था, 2 लाइनर थे, वो लोग भी पकड़ा गए हैं। ये लोग के पास से उन्होंने जो अग्निशास्त्र होता है, जो जिससे हथियार जो इस्तेमाल किया गया था, उसको बनावट उन्होंने कर लिया है। मोटरसाइकिल इन लोगों ने घटना के बाद ही एक जगह लगाया था, उसको वहाँ से हम लोगों ने घटना के दूसरे दिन सीज किया था। पूरी तरह से घटना को दुर्घटन हो गया है और पैसे की बरामदगी के बारे में इन्होंने प्रयास उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया है, कुछ तो इन्होंने खर्च किया है। और जहाँ तक हम लोग को जानकारी मिल रही है कि जिस क्षेत्र में रहते थे, उस क्षेत्र में लोगों ने शराब के कारोबार को इन्वेस्ट किया है और इसलिए हम लोग पैसा बरामद नहीं कर पाए हैं। लेकिन गिरफ्तारियाँ हुई हैं और इन लोगों का पहले का आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में ये लोग रूपसपुर से जेल गए हुए हैं। रूपसपुर में पिछले वर्ष ज्वेलरी दुकान में डकैती हुई थी और इसके अलावा अभी हम लोग इसको वहाँ से जेल भेज रहे हैं आमसर केस करके। वहाँ आकेनगर वाले केस में रिमांड किया जाए। कुल 5 अपराधकर्मी हैं, 5 माल सलामी थाना क्षेत्र रहने वाले हैं, विकास कुमार, विकी कुमार, मनीष कुमार, करण चौधरी और प्रभाकर कुमार। एक व्यक्ति और है इसमें जो पकड़ाना बाकी है, जो कि लाइनर था बेसिकली और पहले से वो पेट्रोल पंप पे वो काम कर चुका था और उसी के निशानदेही पे घटना की गई। लूट का रकम 6 लाख से ऊपर बताया गया था, लेकिन इन लोगों के हिसाब से बताया गया कि इन लोगों को मिला के 5,30,000 के आसपास इन लोगों से बरामद हुआ है। 30 उन्होंने हम लोग को जो बताया, हालांकि जो लूट का रकम है वो 6,56,000 का। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.